इंडी गठबंधन की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है और इंडी गठबंधन को लगातार झटका पर झटका लग रहा है। सबसे पहले ममता बनर्जी ने झटका दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ हम नहीं लड़ेंगे, 42 सीट मैं खुद लड़ूंगा। और उसके बाद में दूसरा झटका नीतीश कुमार ने दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए, एनडीए गठबंधन में आ गए और बोले कि एनडीए अच्छा नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रही है और उसका कोई भविष्य नहीं है। और तीसरा झटका उसको लगा कि एनसीपी में अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी और की मान्यता मिली, और इतना ही नहीं एनसीपी की मान्यता मिली और उसको घड़ी छाप मिल गया। और चौथा झटका ये हुआ कि आपको हेमंत सोरेन जेल चले गए, जिससे झारखंड की स्थिति में स्थिति एनडीए का अच्छा हो गया और इंडिया गठबंधन का खराब हो गया। और पांचवा झटका होने जा रहा है जो आपको जयंत चौधरी जी एनडीए में आ रहे हैं। और छठा झटका ये है कि आपको अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं। तो इंडिया गठबंधन में झटका पर झटका हो रहा है, इंडिया गठबंधन की स्थिति खराब है और एनडीए गठबंधन की स्थिति मजबूत हो रही है।